हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज गए हैं, 10 बज गए हैं और अभी ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से, मायके से। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि भैया को रात पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा ऐसे ही छोटी मोटी चोट होगी, और तो उसके कंधे की जो यहाँ की हड्डी है अब पता नहीं बहुत ऊपर आ गई है, मतलब बहुत सूजन की वजह से इतनी ऊंची हो गई है। तो उसे एक्सरे के लिए ले जा रहे हैं कि क्रैक है या टूटी है क्या है। तो पहले हमने सोचा कुछ नहीं, बस थोड़ा छिला है, इसी की वजह से चोट लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो कल हम रात को ही निकलने वाले थे, फिर हम नहीं गए क्योंकि हमें हॉस्पिटल ले जाना था, क्योंकि घर में कोई है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम ही रुके हैं। पापा हैं, पापा को घर का देखना है, और मम्मी पापा दो ही तो लोग हैं। तो अब उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, सबसे पहले कराएंगे एक्सरा। अब जो भी फिर एक्सरे में निकलता है उसके हिसाब से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो बस अभी हड़बड़ी है, दच्चू भी आज स्कूल नहीं गई, दच्चू आज स्कूल नहीं गई, और उसके भी स्कूल में शायद कोई बैंड ड्राइवर थे, उनका भी निधन हो गया है, मतलब एक्सपायर हो गए, तो वो भी स्कूल आज नहीं गई। और तो दच्छू भी यहीं पे, हम भी जाते हैं। हमें पेरी थैले मिलना आ रही है। तो एक्सरा करा के भैया का मतलब खटीमा से आ गए हैं घर, और अभी मैं आ रही हूँ खेत, मम्मी के खेत में इधर आग लगानी है, मतलब जो नरई में आग लगानी है। मम्मी को टाइम है नहीं, घर में बहुत लोग देखने के लिए आ रहे हैं, भैया को बिल्कुल भीड़ भाड़ लगी रही, तो मम्मी पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इधर खेत में हम ही आग लगा जाते हैं, मुझे जाना है घर, और कपड़े वपड़े मैं लाई नहीं, तो मम्मी की साड़ी पहने हुए हूँ, मम्मी टाइप। तो आज मम्मी की साड़ी पहन के ही गई थी खटीमा, और कपड़े लाई नहीं, तो ऐसे ही काम चला रही हूँ। और घर भी जाना है, घर में भी बहुत काम है। तो मैं आपको एक्सरा दिखाऊंगी, भैया की रिपोर्ट क्या बताऊं, उसकी इधर की जो हड्डियां थी, अब इसे कंधा पसली बोलते हैं, वो यहाँ की हड्डी उसकी टूट ही गई है दो साइड से, इस साइड से भी टूट गई, इस साइड मतलब बीच की अलग हो गई है। तो उसके लिए दवा दिलवा लाए हैं, बेल्ट लगवा लाए हैं, और अब उसे टाइम लगेगा ठीक होने, मतलब हड्डी जैसी चीज़ तो टाइम तो लगना ही है। देखते हैं अब कब तक टाइम, 1-2-3 महीने, अब जब भी अब बेल्ट लगवा के लाए हैं, सब बिल्कुल ऐसे सेट रहना चाहिए। तो अभी आग आग लगवा देते हैं और शाम तक हम घर चले जाएंगे, कि कल दच्छू के स्कूल ही जाना है, आज भी स्कूल नहीं जा पाई है। तो यहाँ दोपहर के समय लगा देते हैं आग, लोग लगे पड़े हैं यहाँ ससुराल में काम करने के लिए, घर में भी और ससुराल में भी। तो फिर यहाँ यहाँ का भी काम निपटा, क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो यहाँ का काम करके फिर हम भी शाम को निकल जाएंगे घर, क्योंकि वहाँ भी पानी लगाना है। जलन तो देर पहले बुझ जाएगी। दोस्तों मेरा पार्सल कल आया था, लेकिन मैं ऑनलाइन इसे खोल नहीं पाई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, कभी कुछ तो वक्त नहीं मिल रहा, तो ये पार्सल हमने मंगाया था। तो आज इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, इसमें निकलता क्या है। तो क्या निकलता है, तो ये निकल गया है, आप गैस करो इसमें क्या हो सकता है, ये क्या है। तो मैं बताऊं क्या है इसमें, इसमें है ये है बॉल स्टिकर, मतलब दीवार में लगाने के लिए मंगाया है ये। तो इसकी मैं आपको बताऊं, ये है दो, हाँ ये दो है, ये देखिए। तो मैंने पार्सल मतलब उसमें देखा था, तो ये थोड़ा मतलब साइज में थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन साइज में थोड़ा छोटा आया है। तो इसमें इसको हम लगाएंगे अपनी दीवार पर, अब लगाने के बाद आपको दिखाएंगे ये कैसा लग रहा है। तो आप बताइए हमारा वॉल स्टिकर कैसा है,
तो इसको मंगाया था हमने, आते हुए 3-4 दिन पहले गया था, लेकिन इसको हम खोल नहीं पाए थे, अनबॉक्स नहीं कर पाए थे। तो इसको हम आपको दीवार में लगा के दिखाएंगे ये कैसा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस, पहली बार ये पहली बार ट्राई करा है, तो इसको हम लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है, और आपको लगा के भी दिखाएंगे, लगाते भी दिखाएंगे कैसे लगाते हैं इसको। तो सवर कर, तो ये ले लिया है मैंने अपना बॉल स्टिकर। तो कल हो गई थी बहुत रात, तो कल मैंने इसे नहीं चिपकाया क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं था, हेल्प करने वाला आज भी कोई नहीं है, पर मैंने सोचा आज लगा ही थी। तो हम लगे पड़े हैं मेहनत करने के लिए, और सही बताऊँ तो इसमें बहुत मेहनत है। सोचा कि मैं अकेले कर लूँगी, लेकिन आसान नहीं है, और बहुत मेहनत लगी। इस चक्कर में मेरा एक स्टिकर टेढ़ा भी लग गया, क्योंकि अकेले से हो ही नहीं रहा था, ये दो लोग ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मेरी जल्दीबाजी, मुझे इतना शौक लग रहा था, इतनी जल्दीबाजी कि मैंने अकेले ही ट्राई कर लिया, इस वजह से एक टेढ़ा लग गया। उस बात का मुझे बहुत दुख है, तो दूसरा भी अब लगा ही लेते हैं। हम लगा रहे हैं तो मेहनत तो लगनी ही है, और वैसे अच्छे लग रहे हैं। एक के साथ एक फ्री ही आया था, फ्री तो क्या, पैसे तो लगे थे, पर लेना एक ही था, लेकिन मिनिमम हम दो ही मंगा सकते थे, इसलिए दो आए हैं। तो कैसे लग रहे हैं मेरे वाले स्टिकर बताइए, पर मेहनत के साथ, और मेहनत थोड़ी ख़राब भी हो गई, जो टेढ़ा जो लग गया है, तो मेरे दोनों वाले स्टिकर लग चुके हैं। कैसे लग रहे हैं? तो हमारे बॉल स्टिकर लग गए, लेकिन सच्ची बताऊँ यार, बड़ी मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी। और ये तो बताऊँ मैं, टेढ़ा लग, मतलब अकेले से मुझसे टेढ़ा लग गया, और ये तो सीधा लगा, ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा लगा, और ये टेढ़ा हो गया है। और इसी वजह से हम डांट भी खाने वाले हैं, तो बच्चों के पिताजी हमें डांट भी लगाने वाले हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी, मेरा इंतजार कर लेती। मैं सही बताऊँ, मुझे सब्र नहीं हो रहा था, 1 सप्ताह तो हो ही गया था, तो सब्र नहीं हो रहा था। और थोड़ा डांट भी लगने वाली है कि टेढ़ा क्यों लगा दिया, कोई बात नहीं, वैसे अच्छा लग रहा है। अब देखिए, ये हमारे बेड के सिराने में लगाया है, तो अच्छे हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, मात्र 150-200 के बीच के हैं, और दो हैं, मतलब 200 के भी नहीं हैं, और दो अच्छे लग रहे हैं। बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे वॉल स्टिकर? अच्छे हैं, जो हम वैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, जो हमारी वो होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो तस्वीरें होती हैं उनके लिए कील लगानी पड़ती है, लेकिन इसके लिए नहीं लगानी पड़ती। और अभी है बहुत कड़ाके की धूप, और इस धूप में हम जा रहे हैं खाना देने, दो सब्जी चावल आवल लेके दक्षू के पिताजी के लिए खाना देने जा रहे हैं। और किचन मैंने साफ़ भी नहीं करा, मैंने कहा पहले खाना ना दे आती हूँ, उसके बाद ही घर आगे किचन साफ़ बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि खेत वालों को ही भूख लग जाती है ना। अब सुबह से खेत चले जाओ, और हम लोगों ने तो खाना खा ही लिया है, तो सबसे पहले इन्हें का खाना ही पहुंचा दूं। तो अभी खाना देने आई हूं खेत में, और सब लोग ने खा लिया है, अभी खाना देके जाऊंगी फिर घर, फिर और एक्स्ट्रा काम करूंगी।
और अभी करनी है हमें शाम के खाना बनाने की तैयारी, और हमारे वॉल स्टिकर भी लग चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी खाना बनाने। और आज का ब्लॉग बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का हमारा वॉल स्टिकर कैसा लगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये हमारा और ऑनलाइन चीज़ों का भी। तो अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय, राधे राधे।